पतंग उड़ाने में आपको कैसा क्या लग रहा है आज? बहुत अच्छा लग रहा है। मकर संक्रांति पे आज रतलाम के अंदर पतंग उड़ रही है, आपको इस सिलसिले का क्या कहना है? पहली बार उड़ रही है, पहली बार ऐसा महोत्सव हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा है और होना चाहिए हर साल। क्या नाम आपका? श्रीकांत। ये पतंग का फेस्टिवल कैसे क्या सोचा आपको लगाने का? दो चार माह दोस्त बैठे हुए थे कि रतलाम में पतंगे इतने साल से कभी उड़ी नहीं है और पूरे देश भर के अंदर पतंगे उड़ रही है, तो हमने भी सोचा कि रतलाम वालों के लिए कुछ नया इवेंट होना चाहिए, तो हमने एसजीएल प्रोडक्शन और क्रियान इवेंट से मिलकर इस पतंग का शो रखा है और रतलाम के अंदर पहली बार पतंग का फेस्टिवल होने जा रहा है। इसके अंदर 5 रुपये से लगा के 7 रुपये तक के, 150 रुपये से लगा के 270 रुपये तक की चक्री है इसके अंदर, तो मार्केट रेट है उसी रेट के अंदर हमने यहाँ पर पतंग और चक्री अवेलेबल कराई है और सभी तरह के स्टॉल यहाँ पर खाने पीने के लगे हुए हैं, बहुत सारे आर्टिस्ट यहाँ प्ले कर रहे हैं और अलग अलग झूमर डांस चल रहा है। कौन कौन सी पतंगे लेके आए? नई एंटीक पतंग में कौन कौन सी है? पतंग लेके आए हैं, एरोप्लेन पतंग है, पिकाचू है और भी नई नई वेराइटीज की बहुत सारी पतंगे हैं, ब्लू बैल मछली वाली पतंगे हैं और जो आज तक अभी रतलाम में जो पतंगे नहीं उड़ी है वो सारी पतंगे हम रतलाम में लेकर आए हैं और रतलाम वालों को इस पतंग फेस्टिवल का इंजॉय करना चाहिए और हम चाहते हैं हमारा जो प्रोडक्शन है प्रोडक्शन क्रियान इवेंट ये रतलाम के अंदर हर साल पतंग का ऐसा आयोजन रतलाम वालों के लिए करता रहेगा और रतलाम वाले बढ़ चढ़ कर इस पतंग शो के अंदर भाग लेते रहें। धन्यवाद। थैंक यू।